और ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे वीडियो आपका शूट हो रहा है। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट के चैनल के लिए, ऐसे ही आप रिस्पांस देते रहिएगा। और बहुत जल्द हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेपर आपका अपलोड हो चुका है। थोड़ा गला ख़राब है मेरा, इसलिए हो सकता थोड़ी आवाज़ दबी हुई आपकी आए। तो इसमें हम सेमेस्टर 3rd हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, और 1st सेमेस्टर मेजर माइनर और जो मिड टर्म एग्ज़ाम है इनके भी आराम से चर्चा करेंगे, हेमंत सिंह लेक्चर चैनल पर लाइव करेंगे। और जिसके लिए भी PDF चाहिए तो आप लोग बराबर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897059197 पर कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप पे जोड़ें, अपने ग्रुप बना लें, उनमें ग्रुप में अपने दोस्तों को ऐड कर लें। इंग्लिश हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका सोशोलॉजी है, जितने सब्जेक्ट हैं उनके सबकी वीडियो आप ग्रुप प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री के पेपर से। जैसा आपका कोड बना हुआ है, ये आपका कोड है पेपर कोड 42701, फिर आपका है BA सेमेस्टर 3rd एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्ट्री का पेपर है। इसमें मैंने कोशिश की है कि यही पेपर आपके पेपर में आएगा, आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बनाए हैं। बाय द वे क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट का रूप ले ले, या शॉर्ट के लिए मतलब जो शॉर्ट है हमारा उसके लिए वो लॉन्ग में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो क्वेश्चन, अगर आपको इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, तो इनके आंसर भी आपको मैं पॉइंट वाइज बता दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं 8 मार्च के लिए आपका है, 8 अप्रैल के लिए आपका हिस्ट्री का है, वैसे तो 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री तो 18 तारीख में है। तो इसके आपके जो क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर के साथ ही आप लोग काफ़ी सब्सक्राइबर जोड़ेंगे, और जितनी जल्दी बन के पूरे होते हैं फिर हम चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर और अच्छे तरीके से फीचर के साथ में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। 2nd सेमेस्टर का अगर कोई है तो उसके लिए प्लेलिस्ट अपलोडेड है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर विजिट करना बिल्कुल जरूर बहुत ही आवश्यक रूप से करें, क्योंकि वहाँ पर आपके बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। इंग्लिश का पेपर आपका 10 तारीख के लिए है, तो कल के लिए हम इंग्लिश के लिए फिनिश कर देते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए उनके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे, इसके बाद हम फिर बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की। हिंदी का आपका पेपर चाहिए था 8 तारीख के लिए, तो हिंदी का पेपर भी आपको 7 तारीख या 6 तारीख में कल में मिल जाएगा। तो आइए आप समझ लेते हैं इस पेपर के लिए, क्योंकि पेपर हमारा इतिहास का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है ये, यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी भारत का आधुनिक इतिहास, या फिर कह सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ेंगे। कब का देखेंगे हम? 1757 से लेकर 1857 तक, यानी कि 100 साल, 1757 से लेकर 1857 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और डिटेल में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आप वीडियो अपलोड कर दिया है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देखेंगे, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोडेड है, कल ही मैंने अपलोड किया है परसों, तो उसके लिए आप जरूर देखें एक बार, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का है कोड इस तरीके से आएगा, और हिंदी जो वो तो इस तरीके दी होगी। समय आपका 3 घंटे का होगा, और मैक्सिमम मार्क आपके 75 नंबर है, यानी कि 25 नंबर का आपका क्या हुआ होगा, मिड टर्म हुआ होगा, ठीक है, इसलिए 75 नंबर का आपका ये आपका मेन पेपर एग्ज़ाम पेपर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रत्येक स्टेप को बहुत अच्छे समझिएगा। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, आपको सभी सेक्शंस सभी खंडों के लिए निर्देशानुसार हल करना है, सभी के लिए चुनना है, किसी को नहीं छोड़ना है। सेक्शन ए है हमारा, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर के होंगे, और कौन से क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चंस दिए हुए सेक्शन में, वो सारी चीज़ें आज हम कवर कर दें करेंगे इसी के अंतर्गत। थोड़ा गला ख़राब है, जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 3 बजने वाले हैं, थोड़ा काम लग गया था इसलिए मैं बाहर गया हुआ था, टाइम नहीं मिला आपका वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने रात में शूट किया है। आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो जितना तो मैं भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, नोट इसका विशेष ध्यान रखना है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉरी ईच क्वेश्चन सॉल्व्ड कैरीज 3 मार्क, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है,
3 मार्क यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और आपको सारे क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन आपके लिए हल करने हैं। और फिर इसमें दिया है सभी 5 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक अतिरिक्त उत्तरी प्रश्न 3 अंकों का है, इनके 3 नंबर के अंक होंगे आपके, एक एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। अब आइए पहुंचते हैं हम आगे। क्वेश्चन हमारा पहला है, पहला क्वेश्चन में व्हेन डिड द फर्स्ट कर्नाटका वार स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांसिस, यानी कि फ्रांसिस और ब्रिटिश कंपनी के बीच में जो था पहला कर्नाटका युद्ध कब हुआ था, तो इसके बारे में आप बताना। और फर्स्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा, सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ पैटर्न, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए पैटर्न को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव UMJP यूनिवर्सिटी से नहीं आने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, इन विच सिटी ब्रिटिश रूलर्स इस्टाब्लिश हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, यानी भारत के किस शहर में जो था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया, यानी भारत में अंग्रेजों ने किस शहर में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। अब पहुँचते हैं हम आगे। इसी में थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें इनके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ उस वीडियो को जरूर देखें, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बात कर सकते हैं। फोर है, व्हेन डिड रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, यानी कि कब पारित किया गया था, ये इसकी हिंदी है या हम इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन जो है CBSE बोर्ड जो है इसका वो अपना इंग्लिश के आधार पर उसको हल करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले जो है वो अपना हिंदी मीडियम, जिस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये है इसमें, ठीक है। फिर हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, मतलब उत्तरी में ये यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं, 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। अब आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे खंड बा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेक्शन बी बोलेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कैसे लिखेंगे वो आपको दिखाऊंगा अभी। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके, यानी कि लगभग आपको एक पृष्ठ का करना है, और कैसे करना है वो आपको बता देंगे हम, लाइव आएंगे हेमंत सिंह लेक्चर चैनल हमारा दूसरा है उसी पर, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, आपको कम्युनिटी पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा चैनल पर जाके। और क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, इसमें दिया हुआ है नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन हल करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, तीनों प्रश्न उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है, 7.5 नंबर का है, यानी कि 75, यानी कि कुल मिला के आपके हुए 15 नंबर हो गए। तो लिखा व्हाट इज ब्लैक होल ट्रेजडी, ब्लैक होल ट्रेजडी क्या थी, इसे कहते हैं कालकोठरी त्रासदी क्या थी, इसका चैप्टर बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो पूरा मैंने चैप्टर कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप अच्छे से इसका आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्कस द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लासी बार इन 1757, यानी कि 1757 में हुआ प्लासी युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या था, उसका ऐतिहासिक महत्व आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, 8, इन यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, 6, 7, 8, तो इनमें से आपको कोई से 2 करने हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द थियोसोफिकल मूवमेंट, यानी कि थियोसोफिकल आंदोलन क्या था, ठीक है, यह इसका क्वेश्चन है, तो ये आपको 8 क्वेश्चन थे इसमें
छः सात आठ, इनमें से कोई से दो करने हैं, एक नहीं करना है, तीनों नहीं करने हैं आपके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो हमारा है वो ये कहता है, इसमें भी आपको तीन क्वेश्चन हैं इसमें सेक्शन सी में। खंड खा इसको सा कहते हैं, लॉन्ग आंसर है इसमें, यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसके प्रश्नों के आंसर आपको कम से कम एक पेज में देना है, यानी दो पृष्ठ में कवर करना है एक आंसर के लिए। और अगर शब्दों की बात की जाए तो कम से कम आपको 800 शब्दों को इसको कंप्लीट करना है। तो 800 शब्दों में आपके लिए इसको कम से कम आपको 800 शब्दों में कवर करना है लॉन्ग आंसर के, ठीक है। सेक्शन सी खंड सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब इसका जो है इंडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको हल करना है। ईच क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स, सभी प्रश्नों के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 15 नंबर का है, 15 अंकों का है। अब इसमें क्वेश्चन हमारा है 9, लिखा है लॉर्ड क्लाइव वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो था वो ब्रिटिश में, भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक था। डिस्क्राइब दिस सेंटेंस एंड दिस स्टेटमेंट, आपको इस कथन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक था, तो ये कथन की व्याख्या करनी है आपके लिए, समझाना है कैसे। अगर आपको ये नहीं करना तो आप दूसरा कर सकते हैं लॉन्ग आंसर में, अथवा में दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रेनेसांस, मतलब जो राजा राम मोहन राय थे वो भारत में पुनर्जागरण के क्या थे, अग्रदूत थे, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इंटरनल रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड डलहौजी, यानी कि डलहौजी द्वारा आंतरिक सुधार जो किए गए थे उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा है अथवा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है आप उसे कर सकते हैं। सेकंड इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज सेकंड एंगल मैसूर बार, यानी द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध क्या था जो कि 1840 से 1849 तक चला। डिस्क्राइब इसकी व्याख्या करनी है, यानी द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध 1840 1849 की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये अथवा में आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आप। 11 क्या कहता है, व्हेन डिड पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784, यानी 1784 ईस्वी में पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया पास हुआ था, तो वो किस तरीके से हुआ था, क्या था वो, तो उसको आपको बेहतर के बतानी है। इसे दिया हुआ है यहाँ पर, पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784 कब पारित हुआ, इसकी व्याख्या कीजिए। आज कुछ स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब है, पर आपका काम, पेपर आपका मिस नहीं होगा। ये दिया हुआ है, इसके अथवा में दिया हुआ, अगर आप ही नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ बक्सर बार, डिस्क्राइब इट, यानी बक्सर बार की पृष्ठभूमि क्या थी। ये भी आपका वीडियो प्ले स्टोर पर अपलोड है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्ले स्टोर ओपन करेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको उस क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है बक्सर बार की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, बक्सर बार की पृष्ठभूमि क्या थी वो आपको बताना और उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके पूरे हुए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए साथ में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे चैनल पर, बने रहिए आप लोग, और हम आपका जो भी कार्य है वो आपको किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आने देंगे, और निश्चित ही समय रहते आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट सेम टू यू। अगर आप मॉर्निंग देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग, नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट। चूँकि मैं आपको नाइट में वीडियो शूट कर रहा था इसलिए मैंने आपको गुड नाइट बोल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।